रेड चिल्ली, बादाम, बादाम, बादाम बोले तो मेरी कलर के लिए चिकन मसाला है जी। अभी दूसरा शेप कर रहे हैं क्या? ये क्या शेप? अपना रेड चिल्ली, ये आपको स्पाइसी के लिए थोड़ा, ये इधर ही बनाया हुआ है क्या? जी जी हाँ, अपना ड्राई चिल्ली का पेस्ट किया है। जी जी हाँ, ये अदरक लहसुन, अदरक लहसुन और क्या डाला है इसमें? और थोड़ा बादाम, बादाम जी हाँ, बादाम, बादाम बोले तो अपना पीनट मूंगफली जी हाँ, और सॉल्ट थोड़ा आपको तो। और ये जो मिक्सर है नीचे, इसमें क्या क्या है? यहाँ पे आपका प्याज हो गया, चिकन हो गया और आपका सोयाबीन हो गया। सोयाबीन क्यों नहीं डाला हुआ है हमने? प्याज का पानी जो रहता है वो उसको सोक करता है, वो सोक करता है। और आपका गोल मेरी, और हम लोग डालेंगे आपको बटर, बटर भी जाता है इसमें जी जी हाँ। थोड़ा हमने ये फ्लेवर के लिए क्या? सोया सॉस थोड़ा कलर के लिए, कलर के लिए हो गया। अभी हमने चालू करेंगे, ये दिन का डेली का ही बना था ना ये मिक्सचर? अभी ये कितना किलो रहेगा सब मिला के मिक्सचर? 2 किलो लगभग, 4 किलो होगा। 4 किलो कितना मोमो बनेगा इसमें? इसमें लगभग आपका, हम लोग तो यहाँ पे 5 पीस करके देते हैं। अच्छा, एक प्लेट 5 पीस जी। और इसका प्राइस रखा है हमने 50 रुपीज़ का जी। इसमें आपका चटनी आएगा रेड, और सॉस आएगा मेयोनीज आएगा, और इसके अलावा आपका सूप आएगा। अच्छा, जो उसी का स्टीम में इसको स्टीम किया जाता है ना? इसको मतलब जो हड्डी रहते हैं हाँ, उसका स्टॉक बना के उसमें। इसमें कितना बनेगा मोमो लगभग आपको? कितना प्लेट पक आएगा? लगभग 25 प्लेट पकड़े। इसमें 25 प्लेट निकलेगा? हम लोग को मतलब मटेरियल नहीं है अभी फिलहाल, हम लोग थोड़ा ये ख़त्म हो जाता है जल्दी। अच्छा, तो हम लोग ऐसे ही तो इसमें चिकन मसाला डाल देंगे हम। अच्छा, ये अपना लोकल चिकन मसाला है जी। डब्बा दिखा दो, इसको मिक्स करके रखना पड़ता है जी? रखना पड़ता है क्या थोड़ा टाइम? जी इसको थोड़ा मसाला मैरिनेशन के लिए। ये हो गया ना पूरा अच्छे तरह मिक्स हो गया है।
ये पूरा मैदा रहता ना? जी जी। मैदा में कुछ डालता है क्या भूनते टाइम? जी जी, कुछ भी नहीं, ओनली सिर्फ नमक। नमक और गर्म पानी से भून के। अच्छा, सॉफ्ट हो जाए। ये पूरा आप अकेला ही करते हैं मोमो का पूरा? जी जी, मोमो हो गया आपका, रोल हो गया चाउमीन। ये रोल में कौन सा रोटी इस्तेमाल करते हैं, मैदे का ही? जी नहीं, वो की वो रेडीमेड जो आता है वो लेता है क्या? रेडीमेड सब जगह वही चलता है अभी ना? जी जी, टाइम ही नहीं मिलता हमको मटेरियल ये रेडी करने के लिए, टाइम नहीं मिलता। हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, इस पे ऑयल लगाता है क्या? जी जी, ऑयल का के लिए नीचे चिपकना है मंगा? जी जी, इसके लिए लगभग एक चम्मच थोड़ा चपिंग करते हैं। हाँ, मोमो का साइज भी बड़ा है आपका? जी जी। ये सब आप किसी का नीचे सीखा है कि खुद से सीखा ये सब? जी जी, वहाँ पे मैं वो था, कारीगर था क्या? कारीगर था। और भी स्टाइल है। हाँ, गोल वाला भी है ना? जी, गोल वाला, गोल वाला है, दूसरा है आपका वो जो चार होल टाइप भी है जी, जो खुला रहता है अंदर से दिखता है जी, और ऐसा वो भी है आपको, और एकदम पतला वाला भी है जो अंदर का माल दिखता है। जी जी जी, वो यहाँ पे एक्चुअली नहीं रहता है, हम लोग सिंपल सा बनाते आप दूसरा शेप भी करते हो क्या? जी हाँ, करता है। तीन शेप करते हैं। हाँ, तो दूसरा एक कुछ एक शेप निकाल के दिखाओ। रैक हो गया ना पूरा? जी। इसके और एक ऊपर आएगा क्या? जी नहीं, इसका अभी हो गया आपका, अभी दूसरा मतलब इसके ऊपर भी मोमोस आएगा? जी हाँ, ये डिजाइन का है। अच्छा, अभी दूसरा शेप कर रहे हैं क्या? जी। ये क्या शेप है, गोल? नहीं, ये शेप रहेगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपका अच्छा, ये सीधे में पैटर्न डिजाइन अलग है जी। ओके, ये यूज नहीं होगा। अच्छा, वो शेप का नहीं देते क्या आप? ये शेप का आपका वेज रहेगा। वो दोनों ऐसा समझने के लिए शेप अलग होता है, वेज अलग नॉन वेज अलग। कितना देर में रेडी होएगा ये? आपका तो 3 मिनट लग जाएगा। 3 मिनट में रेडी हो जाएगा? आप स्टीम होगा फिर आपको। अच्छा, हाफ डन करके रखें? आप स्टीम हो जाएगा, उसके बाद हो गया। ये 50% करके रखा है ना, अभी इसको इधर पलटी करेगा। साइज मोमो का साइज भी बड़ा है, फिलिंग ज्यादा रहेगा इसमें। कितने रुपए प्लेट देता है बोला? 50 रुपए।
अभी नहीं चिपकेगा। अच्छा, जो जो ग्रीस किया था नीचे की तरफ। देख वैसे इसको भी स्टोरेज करेगा ना। एक में कितना पीस देता है? पाँच। क्या चटनी है वो पहला जो डाला? टीका वाला है क्या? ये क्या है? माया पुदीना चटनी। पुदीना जी, ठीक। बस बस बस, ये क्या है? सॉस, अपना नॉर्मल सॉस है ना।